नमस्कार जनप्रभा सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद में पीएम मोदी की कूटनीति आई काम। भारत के कड़े रुख के बाद चीन का रुख पड़ा नरम, बदला बयान। चीन के राजदूत ने मतभेदों को बातचीत से निपटाने पर दिया जोर। कल राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को तैयारी का दिया था निर्देश। 40 साल बाद प्रवासी मजदूरों की परिभाषा बदलने की तैयारी में सरकार। श्रमिकों को लेकर जल्द ही बिल लाने की तैयारी में श्रम मंत्रालय। श्रम मंत्री संतोष गंगवार बोले, कानूनी ढांचे को किया जा रहा है मजबूत। नए कानून में श्रमिकों को साल में एक बार घर जाने का मिलेगा किराया। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जैसी आतंकी साजिश की कोशिश नाकाम। सेना ने 20 किलो IED से भरी कार को बरामद कर उड़ाया। खुफिया इनपुट के बाद जवानों ने चेक पॉइंट पर रोकनी चाही कार। ड्राइवर ने तोड़ा बैरिकेड्स। फायरिंग के बाद कार छोड़कर भागा चालक। मध्य प्रदेश की शिवराज चौहान कैबिनेट में बनेंगे 25 से 26 नए मंत्री। दो दिन मंथन के बाद मंत्रिमंडल विस्तार पर लगी मुहर। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के 5 लोगों को बनाया जा सकता है मंत्री। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए 4 लोग मंत्रिमंडल में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र हो सकता है भाजपा का नया मिशन। उद्धव सरकार के अंतर्विरोध के बीच मौका तलाश रही बीजेपी। भीषण गर्मी से दिल्ली NCR को आज मिल सकती है राहत। मौसम विभाग ने आंधी चलने की जताई उम्मीद। बारिश के आसार। 14 देशों के 294 जमातियों के खिलाफ आरोप पत्र किए दायर। वीजा उल्लंघन समेत कई मामले दर्ज। 17 जून को होगी सुनवाई। बांग्लादेश में ईद पर जहरीली शराब पीने से अब तक 16 की मौत। दर्जन भर से ज्यादा लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आम्रपाली मामले में ED ने JP Morgan इंडिया पर कसा शिकंजा। 187 करोड़ की संपत्ति जब्त कर सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने ED को संक्षिप्त जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश। पीठ ने कहा, बिना भुगतान किए फायदा नहीं उठा सकते खरीदार। भारत में संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 158,333। अभी तक 4531 लोगों की हुई मौत। 67,000 से ज्यादा हुए ठीक। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,566 नए केस आए सामने, जबकि संक्रमण से 194 लोगों की जा चुकी है जान। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में हुई सबसे ज्यादा 1,897 मौतें। गुजरात में 938 और मध्य प्रदेश में 313 लोगों की गई जान। कोरोना से दिल्ली में 303 और तमिलनाडु में 133 लोगों ने तोड़ा दम। तेलंगाना में 63, आंध्र प्रदेश में 58 और कर्नाटक में 47 की हुई मौत। महामारी से यूपी में 182 और पंजाब में 40 लोग हुए मौत के शिकार। पश्चिम बंगाल में 289 और राजस्थान में 173 की जा चुकी है जान। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 3,57,000 के पार, जबकि 57,89,000 से ज्यादा लोग महामारी से संक्रमित। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,00,000 के पार। अब तक करीब 17,00,000 लोग महामारी से हो चुके हैं संक्रमित। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच गाजियाबाद का लोनी सील। आज से किसी को भी दिल्ली आने जाने की इजाजत नहीं। दिल्ली में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मी समेत अन्य को भी नहीं मिली राहत। आवश्यक वस्तुओं की होगी डोर स्टेप डिलीवरी। कोरोना के मिले 20 केस। कोरोना के मरीजों से 3 से 16 लाख तक वसूल रहे निजी अस्पताल। इलाज के बिना मरने वालों की संख्या में हो सकती है बढ़ोतरी। बाबा रामदेव की पतंजलि ने शुरू किया कोरोना का क्लिनिकल ट्रायल। का इम्यून बढ़ाने पर ही नहीं, इलाज पर है हमारा फोकस। हांगकांग में नए विधेयक के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागी काली मिर्च की गोलियां। हांगकांग मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को लगाई लताड़। चीन के कानून से अमेरिका नाखुश, ट्रंप लेंगे बड़ा फैसला। खराब मौसम के कारण स्पेस एक्स कंपनी का टला पहला प्रक्षेपण। इतिहास बनाने से एक कदम दूर है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA। कोरोना से अमेरिका में 80 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बेरोजगारी। करीब 4 करोड़ अमेरिकी बेरोजगारी भत्ते के लिए करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। कोरोना संकट के बीच अब और गहराएगा चीन अमेरिकी विवाद। उइगर मुस्लिमों के उत्पीड़न के खिलाफ अमेरिकी संसद में बिल पास। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का ऑनलाइन अभियान आज। सोनिया राहुल समेत 50,00,000 कार्यकर्ता रखेंगे अपनी बात। मनरेगा मजदूरों के लिए 200 दिनों का काम मांग रही है कांग्रेस। काट टैक्स दायरे से बाहर लोगों को तुरंत दिया जाए 10,000 रुपए। दिल्ली के सदर बाजार को लॉकडाउन में खोलने की मांग हुई तेज। व्यापार मंडल अध्यक्ष देवराज बाबेजा ने CM से लगाई गुहार। देश के खुदरा निवेशकों को केंद्र सरकार ने दिया बड़ा झटका। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सेविंग्स बॉन्ड योजना को किया बंद। सेविंग्स बॉन्ड योजना के तहत खुदरा निवेश को होता था लाभ। निवेशकों को अपने निवेश पर मिलता था 7.5% ब्याज। बागी विधायक अदिति सिंह ने ट्विटर से हटाया कांग्रेस का नाम। बस विवाद के बाद कांग्रेस ने पार्टी से किया था सस्पेंड। फंड जुटाने के लिए नया फाउंडेशन बनाने जा रहा है WHO। फाउंडेशन के जरिए आम लोगों से चंदा मांगकर जुटाएगा फंड। हेमंत सरकार ने झारखंड के मैट्रिक इंटर टॉपर के लिए किया ऐलान। CM हेमंत बोले, टॉपर को अल्टो कार देकर किया जाएगा सम्मानित। दिल्ली पुलिस ने स्वघोषित धर्मगुरु दाती महाराज को किया गिरफ्तार। लॉकडाउन के बीच मंदिर में भीड़ इकट्ठा करने का है आरोप।
भारत चीन विवाद पर कुमार विश्वास ने मीडिया को दी नसीहत, का कोरोना के मुश्किल दौर में टीआरपी जनरेटिंग इवेंट ना बनाए। उत्तर प्रदेश में फंसे नेपाली छात्रों को नेपाल भेजेगी योगी सरकार, सीएम योगी ने मुफ्त बस सेवा से भेजने का दिया आदेश। सीएम योगी ने टिड्डियों को लेकर कृषि विभाग को दिया निर्देश, का ताली थाली और ढोल नंगाड़े से भगाई जाए टिड्डियां। काशी विश्वनाथ मंदिर के कपाट खोलने की पीएम मोदी से मांग, महंत बोले 1 जून को गंगा दशहरा से भक्तों के लिए खुले मंदिर। पीएम फसल बीमा योजना को झारखंड और तेलंगाना ने किया बंद, बिहार पंजाब समेत अब तक 6 राज्य हुए स्कीम के दायरे से बाहर। महाराष्ट्र सरकार ने फिल्म टीवी शूटिंग के लिए जारी की नई गाइडलाइन, किसिंग और स्मोकिंग पर रोक, मास्क ग्लव्स पहनना होगा अनिवार्य। दक्षिण मुंबई में 5 मंजिला होटल की 3री तल पर लगी आग, दमकल के अधिकारियों ने बचाए 25 कोरोना योद्धा डॉक्टर। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता का घर नहीं बनेगा संग्रहालय, मद्रास हाईकोर्ट ने भतीजे भतीजी को सौंपा मालिकाना हक। बाराबंकी के सिद्धौर चौकी प्रभारी गजेंद्र प्रताप सिंह ने बांटी राहत सामग्री, लॉकडाउन के बीच छोटे बच्चों को दी मिठाइयां और कपड़े। यूपी के हरदोई में बजरंग दल ने कराई हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा, बीते दिनों अराजक तत्वों ने तोड़ दी थी नुमाइश चौराहे पर लगी प्रतिमा। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के संस्थापक की मनाएगी 33वीं पुण्यतिथि, निमिष कपूर ने फेक न्यूज को लेकर पत्रकारों को याद दिलाए कई संकल्प। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद, नमस्कार।